जो लड़की है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। या कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो देखो यार, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, एक सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कि जब कोई लड़की है ना आपको बहुत ज़्यादा दुख दे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, तकलीफ दे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें यार। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आता है ना इंस्टाग्राम पे, मेरे वीडियोस के कमेंट में, कि सर जो मेरी पार्टनर है, जो लड़की है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। या कोई भी इंसान आपके लाइफ में जो आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो देखो यार, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, एक सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके सिवा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, ध्यान से समझना। अपनी फीलिंग्स और उस लड़की दोनों को सैक्रिफाइस कर दो, दोनों को छोड़ दो, दोनों को त्याग कर दो। ध्यान से समझना यार, कमाल की बात है। जब भी कोई लड़की आपको हर्ट करती है ना, ध्यान से समझना, तो वो ना आपको अंदर ही अंदर तोड़ना स्टार्ट करती है, आपको ब्रोक कर देती है, बिखेर देती है, तोड़ देती है। ध्यान समझो, जब कोई लड़की अपनी हरकत से, अपने बातों से, अपने एक्टिविटी से, अपने काम से आपको हर्ट करना स्टार्ट करती है, जैसे आप उसको कोई भी चीज़ मना कर रहे हो, ये काम मत करो, उससे मत बात करो, इससे मत चैट करो, उसको कॉल मत करो, उसको मत मैसेज करो, बट वो कर रही है, हमसे झूठ मत बोलो, बट वो बोलती है, हमें चीट मत करना, बट वो कर रही है, हमसे बात मत छुपाना, बट वो बात छुपाती है, हमसे कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें हर्ट करे ऐसा काम मत करना, बट वो करती है, वो 10 जगह मुंह मारती है, तो उसका हैबिट है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, आपको हर्ट करती है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए यार, कि अपने फीलिंग्स और उस लड़की दोनों को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, कि जाओ भाई, आपका जो फीलिंग्स है ना, उसी के वजह से तो आपको हर्ट हो रहा है। आप उस लड़की से इतना डीपली अटैच हो, इतना आपका और उस लड़की का इतना बॉन्डिंग है, इतना गहरा लगाव है, इसी वजह से ना आपको हर्ट हो रहा है। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ फीलिंग्स का तो बात है। आप उससे अटैच हो, आपका उससे लगाव है, आप उससे प्यार करते हो, बस यही चीज़ है। और ये बहुत टफ चीज़ है यार, अपनी फीलिंग्स और उस लड़की को सैक्रिफाइस करना। बट एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में ये चीज़ कर ली है ना मेरे दोस्त, तो आपको ज़िंदगी में ना फिर कभी भी कोई ना ब्रोक नहीं कर सकता है, कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता है, कभी भी कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब तक आप चाहोगे नहीं ना, तब तक कोई इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ना दुनिया का सबसे टफ पेन को सह लिया, अपने फीलिंग्स और उस लड़की को सैक्रिफाइस करके, उसको त्याग करके, उसको छोड़ के। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं, बट करना ही होगा, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यार। क्योंकि देखो यार, अगर आप फिर भी उस लड़की से अटैच रहो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ये, अगर आपको ये लगता है कि हम उस लड़की के साथ फिर भी बात करेंगे, आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, नहीं सुधरेगी मेरे दोस्त, वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आपको पूरा के पूरे बर्बाद नहीं कर दे। उसके बाद भी वो सुधरने वाली नहीं है, फिर वो कहीं और आप कहीं और, फिर आप लास्ट में खुद थक हार के छोड़ दोगे उसको। सिंपल सी बात है यार, जब भी कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है ना, तो वो इंसान जानबूझ के ऐसा करता है। ध्यान से समझना यार, क्योंकि कोई इंसान आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को हर्ट किए जा रहा है, उसको तकलीफ दिए जा रहा है, आपको ब्रोक किए जा रहा है, आपको है ना तोड़ रहा है, अंदर से कदर नहीं कर रहा है आपकी, आपकी फीलिंग्स का, आपके प्यार का, आपके केयर का, और वो इंसान गलती से कर देगा ऐसा? नहीं यार, जानबूझ के कर रहा है, कर रही है। और अगर गलती से उससे ये सब चीज़ हो रहा है, तो यार उसको ना शर्म आना चाहिए कि यार तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, है ना, कोई इंसान तुमको सब कुछ मान बैठा है, और वो उसका क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब चीज़ तुमको कुछ पता ही नहीं है। वाह, कमाल का बात हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और नौटंकी है, दैट्स इट। सामने वाला इंसान और अपने फीलिंग्स दोनों को सैक्रिफाइस कर दो दोस्त। जिस दिन आप अपने फीलिंग्स और सामने वाला इंसान, जो लड़की है, उस दोनों को सैक्रिफाइस कर दिए, हटा दिए अपने लाइफ से, उसको कॉल करना, उसको मैसेज करना, उसको कॉन्टैक्ट करना, उससे बातचीत करना, उसके लाइफ में इंटरफेयर करना, उसको कुछ भी समझाना, कुछ भी एक्सप्लेन करना, सब कुछ छोड़ दिए ना दोस्त, उस दिन याद रखना, लाइफ का आपका टर्निंग पॉइंट है, आपकी ज़िंदगी यू टर्न लेगी। थोड़ा सा पेन होगा यार, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पेन होगा,
बट अगर आप उस पेन को सह लिए ना दोस्त, उस दिन आप इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग इंसान बन जाओगे कि दुनिया का कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द आपको हिला नहीं सकता है। हिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप में टच नहीं कर सकता है। फिर आपका इमोशंस पे कंट्रोल आपके हाथों में होगा। कोई भी दुनिया का इंसान, चाहे कितना भी क्लोज हो, फ्यूचर में आपको कभी हर्ट नहीं कर पाएगा। आज जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो ना, आप अपने फीलिंग्स और उस लड़की की वजह से कर रहे हो। जब वो नहीं सुधर रही है, नहीं समझना चाह रही है, वही हरकत, वही काम, वही चीज़ें रिपीट मोड में कर रही है, दैट्स इट कि वो आपको 1% का आदमी नहीं समझती है, आपको वैल्यू ही नहीं देती, आपकी कदर ही नहीं करती है। एकदम कड़वा बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अगर होता ना कदर, आपका वैल्यू, आपके फीलिंग, आपके इमोशंस को वो समझती, आपको समझती ना, आपसे प्यार करती, कभी वो ये सब चीज़ नहीं करती जिसकी वजह से आपको हर्ट हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। ड्रामा नहीं है ना यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। बट वो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है। सिर्फ दो काम करो ऐसे सिचुएशन में, अपने फीलिंग्स और उस इंसान, उस लड़की, दोनों को सैक्रिफाइस कर दो। फिर देखो आपका लाइफ ना बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो क्लाउड करके इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त यार फ्रेंड उनको वीडियो जरूर दिखाइए, है ना। कोई लड़का, कोई लड़की आपके साथ ऐसा कर रहा है, या कोई इंसान, कोई लड़की आपके साथ ऐसा की है, या किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो यार। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे चैनल पर पूरी वीडियो अवेलेबल है हर एक टॉपिक पे। थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप, मतलब कि दो लोगों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाए तो क्या करें, कोई धोखा दे तो क्या करें, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें, ब्रेकअप के बाद क्या करें, मेरे चैनल पे हर एक टॉपिक जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है वीडियो अवेलेबल है। जाओ और आप उसको देखो, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।